अन्नी हम कहाँ जा रहे हैं? पूछ चुके हैं हम कई सारे टैक्सी वालों से पूछ चुके हैं। पहले हम उतरे वेस्ट की तरफ, फिर वहाँ से पता चला ईस्ट उतरना था, ईस्ट में आए हैं। तो किसी को नहीं पता है कि कुताचीवाड़ी है कहाँ, और एक्चुअली में यहाँ से सिर्फ 6 मिनट का रास्ता है। तो देखते हैं क्या है, कैसा रास्ता है, किस तरफ जाना है। और चीवाड़ी पता है? कुताचीवाड़ी यहीं पर है, यहाँ से 6 मिनट दूर दिखा रहा है। पहली बार सुन रहे हो ना? मैप में चले चलूंगी, चलो ठीक है, ओके। हे एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और एक्साइटेड हैं आज का ये एपिसोड आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जहां आए हैं, यानी मैं और अन्वी जहां आए हैं, ये जगह मुंबई में ही है, पर मुंबई की लगती नहीं, वाइब्स पूरी गोवा वाली, और साथ ही साथ एक अलग सा सुकून है जिसकी शायद मुझे काफी वक्त से मुंबई में तलाश थी। एक कहना चाहिए बिलोंगिंगनेस वाला सुकून, ठहराव, तसल्ली जैसे जज्बात। और इस जगह पर देर तक रुककर, शायद कुछ दिन यहां रहकर, बस इसे निहारने की तलब, ये सब मैंने महसूस किया इस सफर में। और लीजिए, हम बस पहुंच ही गए कुताचीवाड़ी। नहीं, ये कुताचीवाड़ी नहीं है, ये मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इलाका गिरगांव है। जी हाँ, जिसे आपने पर्सनली या फिर गूगल पर गिरगांव चौपाटी के नाम से पढ़ा और जाना होगा। यहाँ की चौपाटी बेहद मशहूर है, और बस यहीं पर एक गली है जिसके बाहर आपको कुताचीवाड़ी का नेम बोर्ड दिख जाएगा। पर दोस्तों, गली शब्द पर ना जाइएगा, क्योंकि ये बाहर से दिखती एक गली है, पर अंदर पूरा का पूरा गांव बसा है। जी हाँ, मुंबई की हेरिटेज विलेज कुताचीवाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कुताचीवाड़ी का सफर। दोस्तों, अभी जो आपने पिक्चर्स देखी, यहां से कुताचीवाड़ी की शुरुआत होती है। अच्छा, आज के इस एपिसोड में कोई एक पर्टिकुलर कहानी नहीं है हमेशा की तरह, बल्कि ये पूरा का पूरा एपिसोड ही एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट है इस जगह को और यहाँ के लोगों को, जो अपनी इस दौलत को, यानी हेरिटेज को प्रिजर्व रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश हमेशा से करते आए हैं, चाहे प्रोटेस्ट्स हों या केसेस। अपनी पूरी जान लगाकर इन्होंने इस अनोखी प्यारी सी हेरिटेज को संभाला हुआ है। दोस्तों, जैसे ही मैंने इस जगह पर एंटर किया ना, राइट इन द बिगनिंग, ऐसा महसूस हुआ मानो मुंबई पीछे छूट गया। वो शोर शराबा जो गली के बाहर तक अपने पूरे चरम सीमा पर था, मानो उसे यहां दाखिला ही नहीं मिला। और इसीलिए मैंने शुरुआत में एक अलग सुकून का जिक्र किया था। इस जगह से मुंबई नहीं, बल्कि बॉम्बे और गोवा जैसी वाइब्स आ रही थी। इतने सारे ब्राइट कलरफुल बंगलोज, मानो ये जगह एक अलग टाइम पीरियड में मुझे ट्रांसपोर्ट करने की शुरुआत कर चुकी थी। आप कहाँ से लाते हो सेवपुरी? कहाँ से लाते हो सेवपुरी? अच्छा, बनाते यहीं पे हो? अच्छा, तो घर से ऑर्डर लेकर जाते हो? हाँ, घर से भी ऑर्डर भी लेता हूँ, आपको चाहिए तभी देता हूँ। अच्छा, नहीं तो अभी मैं घूम के आती हूँ फिर लेती हूँ। नहीं, अभी खा के जाओ, अभी निकल जाऊंगा। नहीं, पूरे घर में ला जाओ। नहीं, खानी है अभी? अरे अभी नहीं खानी, अभी तुम वही थी ना? हाँ थी, लेकिन अभी मैं घूम कर आ रही हूँ। अभी मैं घूम कर आ रही हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। नहीं, अभी ले लो बेटा। अरे नहीं दादा, वो तो
ये भेलपुरी वाले दादा ना इतने प्यार से हमें सेव पूरी भेलपुरी खिलाना चाहते थे ना कि इनकी बातचीत आपके साथ ना शेयर करने के लिए मन नहीं मान रहा था। एंड आई विश हम खा पाते, पर क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हमें शूट करना था इसलिए हम नहीं खा पाए। बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। खैर, अभी वापस आते हैं खोताचीवाड़ी पर। 1850 यानी 1850 में, क्लोज टू 200 ईयर्स पहले, पठारे प्रभु कम्युनिटी के एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन, जिनका नाम था दादोबा वमन खोट। ये पूरी जमीन उन्हीं की थी, यानी खोताचीवाड़ी की पूरी जमीन उन्हीं की थी। उन्होंने इस एरिया को डेवलप किया और यहां के घरों को लोकल फिशरमैन, गोवा से आए पोर्चुगीज इमिग्रेंट्स, ईस्ट इंडियन फैमिलीज को रहने के लिए दिया। उस समय जो फैमिलीज यहां सेटल हुई, घर खरीदे, उनमें से आज भी करीबन 20 से 25 फैमिलीज यहां रहती हैं। जी हां, यानी क्लोज टू 200 इयर्स बाद भी, एंड ऑफ कोर्स उनकी जनरेशंस, बट व्हाट अ हेरिटेज इन इटसेल्फ, नहीं? एंड दैट टू स्पेशली इन अ सिटी लाइक मुंबई। सो दिस बिकेम वन ऑफ द अर्लीएस्ट सेटलमेंट्स इन अर्स्टवाइल बॉम्बे, और इसीलिए शायद यहां के लोगों को ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ मुंबई का खिताब मिला। अच्छा, खोताचीवाड़ी नाम ही क्यों? क्योंकि भाई खोताचीवाड़ी शब्द का मतलब होता है खोट का गार्डन। जी हाँ, दादोबा वमन खोट का गार्डन, जो यहां के लोगों ने उनके सम्मान में 1880 यानी 1880 में रखा। अब यहां के घरों के स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहां के घर अलग क्यों हैं, तो यहां के घर जनरली लकड़ी के बने हैं, जहां पर बैकयार्ड भी है, बड़ा ओपन फ्रंट वरांडा भी है जिनमें फ्रेटवर्क पैनल्स के काम हुए हुए हैं, ऑर्नेट खिड़कियां हैं, मोल्ड की गई छतें हैं, और साथ ही साथ ऊपर के एरिया में पहुंचने के लिए बाहर से ही सीढ़ियां भी हैं, जस्ट लाइक द पोर्चुगीज आर्किटेक्चर। तो इसीलिए यहां का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो पोर्चुगीज से बहुत मेल खाता है। ईस्ट इंडियन कंपनीज, दैट्स वाई, सॉरी ईस्ट इंडियन फैमिलीज, दैट्स वाई। तो दोस्तों, खैर, मैं यहां शाम लगभग 4 बजे पहुंची थी, एंड लकी आई वॉज, क्योंकि मुझे यहां ढलते सूरज और उभरते चांद की खूबसूरत सीरत देखने को मिली। और पता है, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस खास इसलिए भी बना क्योंकि मेरे साथ साथ अनवी भी इस जगह में पूरी तरह डूब चुकी थी। ये जगह इतनी खूबसूरत है दोस्तों कि ये 21st सेंचुरी में थोड़ी मिसफिट लगती है, बट आई एम ट्रूली थैंकफुल कि यह जगह अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि नोइंग माई सिटी की सीरीज में मैं उन जगहों को आपके साथ शेयर करती हूं जिन्होंने मुंबई का बेस रखा। खोताचीवाड़ी की खूबसूरती के साथ शायद वीडियोस और फोटोज जस्टिस ना कर पाए, इसीलिए यहां थोड़ा रुककर इस जगह को एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा, जिसे जेम्स फरेरा, जो एक इंडियन फैशन डिजाइनर है, अपने इस बंगलो कम बीएनबी के थ्रू लोगों को देते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगी। और हाँ, जेम्स खुद भी अपने इसी पुश्तैनी घर में आज भी रहते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मैंने एपिसोड के शुरुआत में कहा था, यानी यहां के लोग अपनी इस हेरिटेज को प्रिजर्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ओरिजिनली इस तरह के स्ट्रक्चर के, यानी ऐसे बंगलोज 65 यानी 65 हुआ करते थे खोताचीवाड़ी में, और अब आज की डेट में सिर्फ 26 से 28 रह गए हैं। और वो क्यों? अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जिसके चलते बिल्डर्स यहां ओरिजिनल बंगलोज खरीदकर बिल्डिंग्स बनाने लगे। कोशिश उनकी रहती थी और अब आज भी रहती है कि बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में इस जगह की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए, रिटेन किया जाए, पर वो होता नहीं। इसीलिए आपने गौर किया होगा, जब मैं यहां के घरों का स्ट्रक्चर बता रही थी तब वैसा एक भी घर स्क्रीन पर नहीं था। याद नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। वो शायद मेरा दर्द था, और जब ये दर्द मुझे महसूस हो सकता है तो यहां के लोगों को कैसा लगता होगा, वो भी तब जब इस जगह को 1995 में प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल प्रेसेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो। कुछ साल यहां खुशियां और शांति दोनों थे, और फिर आया 2006 यानी 2006, जब इस डिसीजन को यहां के रेजिडेंट्स
और एक्टिविस्ट्स के प्रोटेस्ट करने के बावजूद रिवर्स कर दिया गया। अर्बनाइजेशन के नाम पर हेरिटेज को बैकसीट लेनी पड़ी, पर हेरिटेज को तो प्रिजर्व ही किया जाता है ना? आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइएगा। और ये है वो घर, ये बंगलो जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मैंने पहले आपको एक थोड़ा सा हिंट के तौर पर दिखाया था। ये वो घर है जेम्स फरेरा का, जिसको ये बीएनबी के लिए बीएनबी की तरह देते हैं लोगों को, सो दैट लोग यहाँ आ पाए, यहाँ रुक पाए और इस जगह को, इस हेरिटेज को एक्सपीरियंस कर पाए। और इस रूम में, इस जगह पर जेम्स का डिजाइनर कलेक्शन रखा गया है। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं वो नहीं दिखा सकती, बट एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहती थी इतनी क्लोजली ये रूफ, ये छत, जिस तरह की छत की मैं बात कर रही थी वो। और अनवी और मैंने, हम दोनों ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया। अनवी ने एक्चुअली पहली बार किसी डिजाइनर का कलेक्शन इतनी क्लोजली ऑब्जर्व किया। शी एंजॉयड अ लॉट ओवर हियर, एंड सीइंग हर एंजॉयिंग अ लॉट, आई एंजॉयड अ लॉट ओवर हियर। तो दोस्तों, खुताची वाड़ी का सफर करके हम वापस आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि है चैपल, और जिसकी अपनी एक अहम कहानी है। पहले के टाइम पे यहां पर एक क्रिब रखा रहता था, जिसमें लॉर्ड जीसस के बर्थ का पूरा सीन डिपिक्ट किया गया था। उसके बाद ये चैपल बना। क्रिब से लेकर चैपल तक की कहानी अपने आप में बहुत जरूरी है खुताची वाड़ी के लोगों के लिए, वहां की हिस्ट्री के लिए। और वो ये कि 1870 में जब एपिडेमिक आया था, ग्रेट इंडियन प्लेग जो एपिडेमिक था, उसके बाद, वो गुजर जाने के बाद ये चैपल का कंस्ट्रक्शन हुआ 1899 में, एज एन ऑफरिंग ऑफ थैंक्स उन विलेजर्स के द्वारा जिन्होंने उस एपिडेमिक को सरवाइव किया, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स टू लॉर्ड जीसस। है ना खूबसूरत, हर, जिसे कहना चाहिए ना कि खुताची वाड़ी की अंग अंग में हेरिटेज बसी है। सो ऑन दैट नोट, मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि क्या आपको ये जगह पता थी, इस कहानी के बारे में पता था, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैट। एंड ऑन दैट नोट, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।